गुलाबी नगरी में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की ओर से ईस्टर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एमआई रोड स्थित ऑल सेंट चर्च स्कूल में आयोजित समारोह में जयपुर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ईस्टर मिलन समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, कांग्रेसी नेता और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुमताज मसीह, सिंह खाचार्यवास, अर्चना शर्मा, सुशील शर्मा, संदीप चौधरी, अमीन कागजी सहित कई लोग मौजूद हुए। गोल 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 गप्पे का पानी है पानी की सी तू खटास इंडिया का जो प्रमुख उद्देश्य चिंतन प्रयाश्चित और अपने मन की शुद्धि करने का जो है, तो मैं समझता हूं कि इस महान पर्व पर हम सब लोगों के लिए आवश्यकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे बौद्धिक हो, क्योंकि बौद्धिक व्यक्ति भी अपने बुद्धि और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर डालना चाहता है और सोचता है कि वो मुझसे कम बुद्धिमान है और मेरी बुद्धि के आधार पर उसने भी वही सोचना चाहिए जो मैं सोचता हूँ। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ बहुत बड़ी विशेष विचार है, क्योंकि क्राइस्ट के संदेश को लेकर पूरे देश के अंदर आगे बढ़ता है। आप उनके संदेश को, क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया आज के समय के अंदर बिल्कुल सटीक है कि आज जिस प्रकार से देश के अंदर, दुनिया के अंदर और स्वदेशों के अंदर जो भाईचारे की कमी नजर आ रही है, अब अपने भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है और हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह मारकाट हो रही है, उस तरीके का एक मन सिर फैलाने का एक माध्यम बनता जा रहा है। इस तरीके उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय ईसाई महासंघ कटिबद्ध है। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की 24 देशों के अंदर हमारी शाखा है।